क्वेश्चन नंबर दो, चित्र दे रखा है 5.31 नंबर चित्र है। ये रेखा और ये रेखा क्या दे रखी है? समांतर। तो रेखा समांतर हो तो वो एकांतर कोण, संगत कोण और अंतः कोण, वो नियम रहते हैं। क्या करेंगे? देखो हम करेंगे रचना, क्या करेंगे रचना, एक नई रेखा खींचेंगे हम सीधी, समांतर ए बी, समांतर ई एफ, एक रेखा खींचेंगे बीच में, ऐसे का नाम क्या होगा? सी और डी, जो इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर। अब उपदिन मतलब उत्तर स्टार्ट यहां से, तो सर देखना इसको लिख दो कोण नंबर एक और इसको लिख दो कोण नंबर दो। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होता है? बताया हुआ है, रेखा है समांतर हो, ये रेखा काट रही हो, एक इधर वाला एक इधर वाला बराबर होता है। कारण क्या होता है? एकांतर कोण बताया था कल, पढ़ते नहीं। ये समांतर रेखा दे रखा है, ये रेखा काट रही है, ये कोण ये रहा और ये वाला कोण ये रहा बाहर। तो कोण एक का मान कितना हो जाएगा? 125 डिग्री का मान कितना होगा? 125 डिग्री। कारण क्या होगा बताओ? एकांतर कोण, इसमें ये और ये समांतर मान है। ये सीडी समांतर क्या है आपके? एबी। एबी समानांतर क्या है आपके? सीडी। और ये रेखा तिरिक रेखा है, तिरछी रेखा। अब ये और ये भी क्या है आपके? बराबर। बताओ कोण दो का मान कितना हो जाएगा? ए और ये बराबर होता है, इधर से तिरछी है ये, ऐसे ये लाइन इधर, तो ये कोण तो इधर वाला, ये कोण ये इधर वाला हो गया और इधर वाला, एक इधर का और एक इधर का, दोनों दूर दूर है, तो कौन सा नियम लगता है आपके? एकांतर कोण। दो का मान कितना हो जाएगा आपके? 141। कारण क्या हो जाएगा आपके? एकांतर कोण। यही नियम लगाना वापस, एकांतर कोण लिख दिया। अब रेखा ये समांतर है, सीधी समांतर क्या हो जाएगा आपकी? ई एफ। जब ये वाले समांतर हो मेरे काट रहे हो तो ये और ये हमेशा क्या होता है आपके? बराबर। अब हमें भाई याद करना है, बताओ भाई कैसे बना? अगर हम एक और दो को जोड़ दे तो एक दो जोड़ लेंगे पूरा क्या बन जाएगा? कौन भाई बन जाएगा? बताओ कौन भाई का मान क्या हो जाएगा? कौन एक को और कौन दो को जोड़ दो तो बताओ भाई का मान कितना हो जाएगा? कौन एक का मान कितना है? एक का मान कितना जाएगा? 125। और कौन दो का मान कितना है? वाई का मान कितना जाएगा? 5 और 1 6, 4 और 2 6, 1 और 1 2। इसका पूरे का मान कितना आया? अब उन्हें ये भी याद करना है, बताओ एक्स और वाई दोनों का योग कितना होता है? 1.4 और जो कोण होता है कितना डिग्री होता है? 360। एक्स का और वाई का मान कितना होता है? 360। एक्स का मान तो दिया हुआ है नहीं, और वाई का मान कितना है बताओ? 260 बराबर 360। इसको उधर भेज दो, x का मान क्या आएगा? 360 माइनस 260, x का मान आ जाएगा आपके 94 डिग्री। ऐसे x और y का मान आपको ज्ञात करना है, आगे समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है? समांतर। समांतर रहते हैं वही संगत कोण, एकांतर कोण, न्यून कोण, सभी नियम लगेंगे, जो भी कोण लगते हैं वो लगाना। सबसे पहले ये वाले समांतर है, हमें क्या बताना है? कोण एक के तुल्य, मतलब कोण एक के बराबर कौन कौन से कोण के मान। तो ये न्यून कोण है, ये आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा और ये भी आएगा, चार न्यून कोण है ना, चार हो जाएंगे। अब कोण एक के बराबर कौन है? कोण 3 है। ये और ये बराबर क्यों है बताओ? दोनों ऊपर की तरफ है, संगत कोण। अब ये वाला कोण एक और ये कोण 7 क्यों बराबर है? एकांत कौन से भाई है? अंतर आंतरिक के भाई है, अरे बाहर है दोनों ही, तो क्या आएगा? बाह्य एकांत कोण, बाह्य एकांत कोण। तो बताना है कि कौन कौन सा कोण एक के बराबर है, कि जो मान एक का है वही 3 का है, वही 5 का है और वही 7 का है।
क्यों है? कारण मैंने लिख दी। अब यहाँ पर कौन एक का मान तो है 60 डिग्री, इसका मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, और कौन छह का मान दे रखा है आपके 120। अभी देखो रेखाएं समांतर थी तो संगत कोण एकांत कोण बराबर थे। अब अगर एकांत कोण बराबर हो जाए या संगत कोण बराबर हो जाए तो रेखाएं क्या हो जाएगी आपके समांतर हो जाएगी। देखो रेखाएं समांतर तो ये नियम लगते हैं, और ये हो गए तो रेखाएं क्या हो जाएगी समान, दोनों नियम चल रहे हैं। अगर रेखाएं समांतर है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं बराबर, एकांत कोण क्या होते हैं बराबर। अब एकांत कोण और संगत कोण बराबर हो जाए तो रेखा यह हो जाएगी आपके समांतर हो जाएगी। देखो ये और ये बताओ कौन पांच का मान और कौन छह का मान कितना होता है 180। ये दोनों क्या होते 180 बताया, रेखी के कौन युग्म बताया है। अरे सीधी रेखा है ये सब काट रही है तो दोनों कौन युग्म तो होगा 180, कारण क्या हो जाएगा रेखी कौन युग्म। अब छह का देखो पांच का मान तो ज्ञात कर लो, छह का कितना मान दे रखा है 120 बराबर 180 उधर भेज दो तो कौन पांच का मान कितना आएगा 180 माइनस 120 तो कौन पांच का मान कितना आया 60। देखो कौन पांच का मान भी 60 और कौन एक का मान भी 60, ये कौन और ये कौन बराबर हो रहा है, दोनों एक तरफ के दोनों ऊपर वाले कौन, ये दोनों बराबर क्या होते हैं संगत कौन। कौन एक का मान भी 60 कौन पांच का मान भी 60 दोनों क्या हो गए बराबर, क्यों हुए संगत कोण। अभी देखो रेखाएं समांतर थी तो ये दोनों बराबर थे, अब ये दोनों बराबर है इसका मतलब रेखाएं क्या है समांतर है, ये दोनों कोण बराबर है संगत कोण बराबर है, अतः ये दोनों रेखाएं जिसका नाम M है A का नाम N है तो M समांतर क्या होगा N, ये रेखा समांतर का चिन्ह है, इसका मतलब होता है ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेगी, सीधी रेखा कौन होती लाइन है वो आपस में नहीं मिलती है तो ये भी आप कभी आपस में नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा हुआ अलग चीज, ये समांतर कैसा लिखना आप दोनों खड़ी भाई संगत कोण बराबर तो आप देखो रेखाएं समांतर संगत को बराबर, संगत को बराबर रेखाएं क्या हो गई समांतर। क्वेश्चन नंबर 5 AP और BQ उन दो एकांतर कोणों के समद्विभाजक है, एकांतर कोण क्या दे रखे हैं ये समद्विभाजक, पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा एकांतर कोण बनाना पड़ेगा। देखो एकांतर कोण कहाँ होते हैं, अगर कोई दो रेखाएं समांतर है और उसमें एक भुजा तिर्यक रेखा है तो उसके एकांतर कोण ये वाले ये और ये, अब ए कोण तो है आपके ए और ए कोण क्या दे रखा है आपके बी, ये दोनों रेखाएं क्या दे रखी है आपके समांतर। अब ये कह रहा है AP और BQ, AP मतलब यहाँ से BQ मतलब यहाँ से क्या कर रहा है ये कोण को दो भागों में बांट रहा है, क्या कर रहा है तो समद्विभाजक लिखा हुआ है समद्विभाजक लिखा हुआ मतलब क्या होता है कोणों को दो भागों में बांट रहा है, मतलब यहाँ भी कोण को दो भागों में बांटना मतलब ये और ये क्या हो गया बराबर, इसका नाम क्या है AP, इधर क्या हो जाएगा आपके BQ, ये और ये क्या कर रहा है कोण को बांट रहा दो भागों में मतलब ये आपके बराबर है। ये और ये क्या है आपके बराबर, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है समांतर, ये लिखा हुआ दसाई दसाई बोलो या क्या कह सकते हो सिद्ध कीजिए लिखा हुआ है सवाल तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ, क्या क्या सवाल में दिया हुआ है कि एपी और बीक्यू क्या है एकांतर कोण के समद्विभाजक है, एपी व बीक्यू क्या है एकांतर कोणों के समद्विभाजक है, एकांतर कोण के समद्विभाजक और हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है एपी समांतर क्या है बीक्यू। अभी मैंने सिद्ध किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, कैसे किया था रेखाएं क्या होनी चाहिए समांतर, कैसे किया था संगत कोण बराबर है, अगर संगत कोण बराबर है या एकांतर कोण बराबर है या उसमें आपके अंत्य कोण का योग कितना हो रहा है 180, इन तीनों में से कोई भी हो रहा है ना तो रेखा क्या होती है समांतर। अब मुझे ये दोनों समांतर का इसका मतलब क्या हुआ मुझे कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 क्या करना है बराबर करना है, अगर ये एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं क्या हो जाएगी समांतर। सबसे पहले क्या करना है आपको
ऊपर से ध्यान देना इधर, मुझे इतना बराबर करना है, कैसे करेंगे देखो, कोण ए बराबर क्या है, ये वाला पूरा कोण ए और ये वाला पूरा कोण बी, कोण ए बराबर क्या है कोण बी, कारण क्या है एकांतर कोण, कारण क्या हो जाएगा जब रेखाएं समांतर हो, एक पूरा इधर का और एक पूरा इधर का क्या होता है आपके बराबर, क्या होता है एकांतर कोण। अब सवाल में लिखा हुआ है AP BQ क्या दे रखा है, उसके क्या दे रखा है शून्य भाग है, जो कोण को दो भागों में बांटते हैं, क्या लिखोगे AP और BQ, ये क्या है दोनों यहाँ के कोण A व कोण B के क्या दे रखा है ये समद्विभाजक, मतलब इसका मतलब क्या होता है ये क्या करते हैं ये कोण को दो भागों में बांटते हैं, तो कोण A को भी कर दो आधा और कोण B को भी कर दो आधा, इसका आधा इधर भी है और इधर भी, हम क्या नाम लिखेंगे एक नंबर, यहाँ लिखेंगे कोण एक, अब ये दोनों बराबर है हम क्या लिखेंगे कोण नंबर दो। अब इधर को मैंने नियम बताया था कि रेखाएं समांतर है, रेखाएं क्या दे रखी है एकांतर कोण बराबर होते हैं, अब एकांत कोण बराबर है ये दोनों कौन से कोण है एकांतर कोण, कैसे एक इधर का और एक इस लाइन के, इस लाइन के एक इधर का है और एक इधर का, अगर एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं क्या हो जाएगी समांतर, ये दोनों समांतर होगी, अतः AP समांतर क्या हो जाएगा आपके BQ, नियम है कि रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण बराबर, एकांत कोण बराबर तो रेखाएं समांतर, ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब रेखाएं क्या हो गई आपके समांतर हो गए। अब यार उधर कंप्लीट ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 6 सवाल के अनुसार से पहले लिखो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है BA समांतर क्या है CD, ये रेखा और ये रेखा क्या है आपके समांतर, BE समांतर क्या हो गया आपके DE होगा, क्या होगा आपके DE, और दूसरा क्या रेखा है आपके ये EF समांतर क्या है BC, ना नहीं लिखा मैंने गलती किया, ये रेखा और ये रेखा क्या रेखी है समांतर और ये रेखा और ये रेखा दे रखी है आपके समांतर, बी ए समांतर क्या दे रखा है आपके डी जी और क्या दे रखा है बी सी समांतर क्या दे रखा है ई एफ, और हमें करना है सिद्ध, सिद्ध यहाँ कह सकते हो दशरथ, दशरथ का मतलब क्या होता है सिद्ध करना ही होता है, हमें सिद्ध करना है कि इस कोण का योग और इस कोण इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है 180, हमें लाना है कि इन दोनों का योग कितना होता है 180, हमें सिद्ध करना है ABC और DEF दोनों का मान कितना होता है 180। ऊपर में इधर ध्यान देना, पहले पहले करनी है आपको रचना, क्या करेंगे हम DE को G तक बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया DE है ना उसको बढ़ाया मैंने, या T लगा हुआ ना उसको आगे बढ़ाया, और ये पॉइंट कौन दे दिया मैंने जी पॉइंट दे दिया, अब ऊपर दे इसको नाम दे दो कोण नंबर एक, ये कोण और ये कोण बराबर है दोनों उधर के, दोनों ही ऊपर वाले दोनों न्यू कोण बराबर है, तो ये वाला ए बी सी कौन सा ए बी सी और ये वाला कोण एक दोनों बराबर, कारण संगत कोण, और बताया ना नियम मैंने ये रेखा ऐसे दी खड़ी दी ऐसी होती नहीं, ये वाली ये दोनों तो करके कि ये वाला और ये वाला कौन क्या है आपके बराबर, दोनों एक तरफ के दोनों उधर के दोनों एक साइड के, दोनों इधर के दोनों ऊपर वाले कौन, दोनों न्यून कौन या फिर दोनों ही अधिक कौन बराबर होता है, कारण क्या होगा संगत कौन। अब ये रेखा समांतर है और ये काट रही है ये दोनों, इसमें क्या समांतर था इसमें ये समांतर था बी ए समांतर क्या था बी ई, ये और ये समांतर थी ना इसलिए एकांतर कोण ये संगत कोण क्या हो गए थे बराबर। अब ये आपके समांतर रेखा दे रखी है ऐसा और ये काट रही है देखिए काट रही है तो इसके अंदर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये वाला और ये वाला कौन सा कोण ए और कोण डी ई एफ दोनों का योग कितना होता है 180, कारण क्या लिखो बताओ अंतः कोण बताया हुआ है अंतः कोण, रेखा कौन समांतर ये समांतर लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ है? बी सी समांतर क्या है? ये तो अच्छी तरीका नहीं आप। इन दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है, बताया हुआ। अब क्या करेंगे? देखो एक और एबीसी बराबर है, चाहे यहाँ पर एक लिखो चाहे यहाँ पर क्या लिखो, एबीसी लिखो, बात एक ही। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ करेंगे कौन एक का मान रखने, ये वाले बराबर है। अब चाहे नंबर एक लिखो अनचाहे क्या लिखो, एबीसी, बात एक ही है। ये हटा दो और ये लिख दो, प्लस का प्लस डी ई एफ बराबर कितना हो गया? 180। ये हो गया चला गया आपके ए बी सी और ई एफ। तो चित्र दे रखा है आपके, इसमें ये रेखा और ये रेखा क्या दे रखी है आपके? समांतर। इधर समांतर है, समांतर में हमेशा एकांतर कोण सपोज क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। इधर देख लो पहले इस ए ई ए बी का और आर बी ए का क्या दे रखा है? समद्विबल। कौन है? ए पी और बी पी दोनों भुजाएं। ये भुजा और ये भुजा क्या कर रही है? इस कोण को दो भागों में बांट रही है। इधर ये दोनों कोण को बांट रही है, तो आप ये दोनों को दो भागों में बांट रही है। हमें बताना है, बताओ कोण ए बी बी कितने डिग्री का है, इसका मान बताना। तो कहीं भी कोण दिया हुआ नहीं, फिर भी आपको ए बी बी का क्या करना है? आपको मान याद करना। तो कैसे करेंगे? ध्यान देना ऊपर दिन, सबसे पहले लिखो दिया हुआ, सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ। बाद में क्या दिया हुआ है कि डी ई समांतर क्या है आपके? क्यू आर। ये और ये समांतर है। दूसरा सवाल के अंदर क्या दे रखा है? ए पी और बी पी दोनों क्या है? ई ए बी और आर बी ए क्या दे रखा है? समद्विबल। एक तो है देखो ए पी भुजा और एक बी पी भुजा, क्रमशः क्या नाम है? कोण ई ए बी और दूसरा कोण क्या है? आर बी ए। दोनों का क्या दे रखा है? ये समद्विबल। ये तो सवाल में दिया हुआ है कि कोण को दो भागों में बांट भी रहे हैं, रेखाएं भी समांतर है, और हमें करना है ज्ञात। सिद्ध नहीं करना है, इस बार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एपीपी का मान कितना है? एपीपी ये वाला कोण कितने डिग्री का, ये ज्ञात करना है। देखो ध्यान देना, इजी क्वेश्चन है, उपपत्ति पहले इसका हम प्रयोग करेंगे। सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है कि डी ई समांतर क्या है आपके? क्यू आर। ये सवाल के अंदर आपके दिया हुआ, जैसे ही देखा समांतर तो क्या होगा? संगत कोण बराबर, एकांत कोण बराबर, और तीसरा कौन सा? अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। ये दोनों अंतः अंदर वाले दोनों कोण, इसके नाम भी लिख लेंगे। ये नाम क्या दे रखे? ई ए बी, मतलब ये वाला ई ए बी, यानी ये पूरा कोण। दूसरा कौन सा है? आर बी, आर बी ए, मतलब ये वाला पूरा कोण, ये अंदर वाला कोण पूरा। कौन देगा? आर बी ए। दोनों का योग सूत्र कितना होता है? 180 डिग्री। अब क्या करना है? यहाँ लिखा हुआ है एपी और बीपी क्या है इनके? समद्विबल। सवाल में दिया हुआ है एपी भुजा और बीपी भुजा इनके क्या दे रखे हैं? ये समद्विबल। समद्विबल का मतलब क्या होता है? जो कोणों को दो भागों में बांट दे, मतलब हमें ई ए बी का भी क्या करना है? आधा करना है। कोण आर बी ए का भी क्या करना है? आधा करना है। और 180 का भी क्या करना है? आधा करना है। इसका भी आधा करना है, इसका भी आधा करना है। ध्यान दो, इसका आधा करेंगे क्या बनेगा? कोण एक बनेगा। इसका आधा क्या बनेगा? कोण एक। इसका आधा क्या बनेगा? कोण दो। इसका आधा बनेगा कोण एक। इसका आधा क्या बनेगा? कोण दो। और 180 का आधा कितना होता है? 180 का आधा कितना होता है? 90 डिग्री। ये हो गया आपके समीकरण नंबर एक। हमने सिद्ध किया कि एक और दो का योग कितना होता है? 90 डिग्री। अब हम ये त्रिभुज लेंगे, इसका नाम है त्रिभुज ए पी बी से। ये त्रिभुज लेंगे, बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। एक तो ये वाला कौन सा? कोण एक, प्लस एक ये वाला कोण दो। तीसरा जो हमें ज्ञात करना है, कौन सा ज्ञात करना है बताओ? ए पी बी ज्ञात करना। ये तो ज्ञात करना है ना, वो यहाँ लिखेंगे ए पी बी, मतलब ये वाला कौन, ये वाला कौन मुझे करना है ज्ञात। इन तीनों का योग कितना होता है? 180। या तो लिखो
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव कितना होता है 180। इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ेगी आप कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग सदैव वो भी अंतर कोणों का योग कितना होता है 180। अब सीधा शॉर्ट में लिखना क्या लिखोगे यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी। शॉर्ट में लिखना इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखो तो भी यहाँ पे राइट है, क्योंकि कुछ उस किताब किताब हिंदी किताब में भी आपके ये लिखा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी। जल्दी पूरा लिखो, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, ऐसा लिख दो। नहीं शॉर्ट में लिखना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बताओ एक और दो का मान कितना है, अब क्या करेंगे हम, कोण एक और कोण दो का मान रखने पर, मान रखने पर बताओ एक और दो का मान कितना दे रहा है 90 डिग्री, और एपीपी करना है हमें क्या बराबर 180। उधर भेज दो तो एपीपी का मान कितना हो जाएगा, एपीबी बराबर होगा 180 माइनस 90। बताओ एपीपी का मान कितना है 90 डिग्री, कुछ भी नहीं दिया फिर भी मान आया 190 डिग्री आ गया।